कैसे कर्नाटक के रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले एक लड़के ने भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया। ऐसा क्या हुआ कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला होने के बावजूद सरकार को इसे लीगल मानना पड़ा। अब दोस्तों, हम सभी ने हर्षद मेहता की स्कैम 1992 वेब सीरीज तो देखी ही है, जिसमें क्विक मनी के लालच में आकर उन्होंने कई लीगल काम किए और स्टॉक मार्केट के किंग बन गए। ये वेब सीरीज लोगों को खूब पसंद आई और IMDb पर इसकी रेटिंग 9.3 है। और दोस्तों, इसी सक्सेस को देखते हुए इसके डायरेक्टर हंसल मेहता एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्कैम 2003। बेसिकली इस स्कैम का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी, जिसके शातिर दिमाग ने भारत के पूरे ज्यूडिशियल सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी और उस समय के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया था। अब दोस्तों, अगर बात करें अब्दुल करीम तेलगी की, तो इसका जन्म 1961 में कर्नाटक के बेलगामी डिस्ट्रिक्ट के खानपुर टाउन में हुआ था। अब्दुल के पिता इंडियन रेलवेज में काम किया करते थे और उनकी फैमिली एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन में थी, पर जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब उस समय उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से चरमरा जाती है। ऐसे में अब्दुल और उनके दोनों भाई काम करने पर मजबूर हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर ही फल और सब्जी का ठेला लगा लेते हैं। अब्दुल करीम का पढ़ाई में खूब मन लगता था और वो इस कठिन समय के आगे झुककर अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो खानपुर के ही एक अच्छे स्कूल सर्वोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई करता है और इसका पूरा खर्चा फल और सब्जी बेचकर उठाता है। अपने लाइफ के शुरुआती दिनों में ही इतना स्ट्रगल करते हुए वो BCom की डिग्री कम्प्लीट करता है और जॉब करने की सोचता है। अब्दुल करीम तेलगी एक पढ़ा लिखा और टैलेंटेड इंसान था, जिसको देखते हुए उसे कई जगहों पर आसानी से जॉब मिल गई, लेकिन मन मुताबिक जॉब न होने की वजह से उसका कभी भी काम में मन लगा ही नहीं और अल्टीमेटली उसे हर जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि अब्दुल ने हार नहीं मानी और नई जॉब की तलाश में वो सपनों के शहर मुंबई आ गया। अब यहाँ तक की कहानी सुनकर आपको अब्दुल करीम तेलगी की स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल लग रही होगी, जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा लेकिन परिस्थितियों के आगे कभी खुद को झुकने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप इसे अपना रोल मॉडल बना ले, आगे की स्टोरी जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि शायद ये आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। बचपन में फल बेचकर दो वक्त की रोटी कमाने वाले अब्दुल करीम पर अब क्विक मनी का भूत सवार हो चुका था। वो जल्दी से जल्दी इतना अमीर होना चाहता था कि वो लाइफ की हर ख्वाहिश को पूरा कर पाए, लेकिन मुंबई भी उसकी पैसों की भूख को शांत नहीं कर पाई। यहाँ भी उसने कई सारे जॉब्स ट्राई किए, लेकिन हमेशा की तरह उसके आलसी बिहेवियर और टारगेट्स को पूरा न कर पाने की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता था। इस दौरान अब्दुल तेलगी ने सऊदी अरबिया के बारे में सुना, जहाँ जाकर उसके कुछ दोस्तों ने अच्छा पैसा कमा लिया था। अब अब्दुल ने भी सऊदी अरबिया जाने का फैसला किया, जहाँ उसे लाइफ की पहली सक्सेस मिली। अब्दुल ने वहाँ पर अगले 7 साल तक काम किया और अच्छा खासा पैसा कमा लिया। ये पैसा अब्दुल को एक स्टेबल लाइफ देने के लिए तो काफी था, लेकिन उसकी अय्याशियों को पूरा नहीं कर सकता था। सऊदी अरबिया में रहते हुए अब्दुल ने नोटिस किया कि भारत से कई सारे लोग काम और पैसे के लालच में यहाँ मजदूरी करने आना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थे कि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, जिसके कारण वो कभी भी सऊदी नहीं आ पाते थे। अब यहाँ अब्दुल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया और उसने वापस मुंबई आकर अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एक एजेंसी खोल ली। ये कंपनी ऐसे लोगों को टारगेट करती थी जिनके पास सऊदी अरेबिया जाने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। अब्दुल करीम ऐसे लोगों को फेक पासपोर्ट, वीजा और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर देता था, और ये काम इतने शातिर तरीके से किया जाता था कि एक भी इंसान कभी इमिग्रेशन में पकड़ा ही नहीं गया। हालांकि साल 1991 में पुलिस को अब्दुल के इस जालसाज धंधे की भनक लग जाती है और फिर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, वैसे तो जेल में जाने के बाद किसी भी इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है, लेकिन अब्दुल करीम के केस में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ अब्दुल की मुलाकात राम रतन सोनी से हुई, जो अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री के कारण कई बार जेल के चक्कर काट चुका था। अगर आपने सेक्रेट गेम्स वेब सीरीज देखी है तो आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि धंधा करना है तो बड़ा करो वरना मत करो। धंधा करो तो बड़ा करो, पर सत्यम भाई वरना मत करो। जेल में राम रतन सोनी ने भी अब्दुल करीम को कुछ ऐसे ही सलाह दी थी। राम रतन सोनी कोलकाता में स्टम्प पेपर बेचने का काम किया करता था और इसमें उसने कई सारे फ्रॉड्स किए थे। 1992 में जब ये दोनों जेल से बाहर आए तो अब्दुल करीम तेलगी ने भी राम रतन सोनी के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों की लड़ाई हो गई और अब्दुल ने राम रतन का साथ छोड़ दिया। अब्दुल करीम तेलगी और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और उसके दिमाग में फेक स्टम्प पेपर बेचने का आइडिया चल रहा था। अब अगर आप स्टम्प पेपर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन ज्यूडिशरी सिस्टम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जब भी दो लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा होता है तो इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्टम्प पेपर का ही इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी के डील से लेकर बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल केसेस और यहाँ तक कि शादी के बंधन भी स्टम्प पेपर पर ही बनाए जाते हैं।
राम रतन के साथ काम करके अब्दुल करीम स्टम्प पेपर के कंप्लीट बिजनेस को समझ चुका था और ये भी जान चुका था कि इसके सिस्टम में काफी सारे लूपहोल्स हैं। अब्दुल सबसे पहले तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से स्टम्प पेपर से जुड़े लाइसेंस हासिल कर लेता है, जिससे कि वो अपने खेल को बिना डरे अंजाम दे पाए। वो इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी पहचान बढ़ाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी प्रेस अपनी पुरानी और खराब मशीन का ऑक्शन करती हैं, जिन्हें अक्सर लोग कबाड़ में बेचकर कुछ पैसे कमाने के लिए खरीद लिया करते हैं। नासिक सिक्योरिटी प्रेस में हुए एक ऐसे ही ऑक्शन से अब्दुल ने स्टम्प पेपर प्रिंट करने वाली मशीन को ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया। इसके बाद उसने सिक्योरिटी प्रेस के ही कुछ ऑफिशियल्स को घूस देकर उस मशीन की रिपेयरिंग करा ली और साथ ही प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले कागज और इंक को भी हासिल कर लिया। उसने असली स्टम्प पेपर्स के साथ अपने द्वारा छापे गए नकली स्टम्प पेपर्स को मिलाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी एक प्रॉपर सेल्स टीम भी बनाई हुई थी, जिसमें 350 से भी ज्यादा MBA कर चुके स्टूडेंट्स काम किया करते थे। ये स्टूडेंट हर उस इंस्टीट्यूशंस पर जाते थे जहां स्टम्प पेपर की जरूरत होती है और वहां जाकर वो उन्हें मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर बेचा करते थे। अब्दुल करीम तेलगी का ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ और अगले 5 सालों में ही उसने करोड़ों की दौलत कमा ली। अभी तक अब्दुल इस धंधे को भारत के 25 राज्यों के 70 से भी ज्यादा शहरों में फैला चुका था। लेकिन अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा स्कैम करने के बावजूद आखिर क्यों अब्दुल करीम पकड़ा नहीं जा रहा था। तो दोस्तों, अब्दुल करीम लोगों को भी खरीदने में एक्सपर्ट था। वो अच्छे से जानता था कि कब और किसकी जेब में पैसा भरना है, जिससे कि उसका धंधा बिना रोक टोक के चलता रहे। उसके खिलाफ 25 से भी ज्यादा FIR थी, लेकिन अब्दुल करीम के खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर से लेकर कई बड़े पॉलिटिशियंस तक को पैसे के दम पर खरीद लिया था। हाल तो ये था कि अब्दुल उन्हें रिश्वत नहीं बल्कि हर महीने ही सैलरी दिया करता था, जिससे कि वो अपना मुंह बंद रखे। जैसे कि एक असिस्टेंट पुलिस इन्वेस्टिगेटर, जिसे महीने की सिर्फ 9,000 सैलरी मिला करती थी, उसे अब्दुल ने इतने पैसे दिए कि उसकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। हाल तो इतना बुरा था कि उस समय मुंबई पुलिस के DCP प्रदीप सावंत पर भी इस केस में शामिल होने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था और उन्हें निर्दोष माना गया। अब्दुल करीम तेलगी के पास कितनी संपत्ति थी और उसने कितना बड़ा स्कैम किया था, इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। अलग अलग वेबसाइट्स पर इसका एस्टीमेट 10,000 करोड़ से लेकर 1,00,000 करोड़ के बीच दिया जाता है। उसे डांस बार्स में जाकर पैसे उड़ाने का बहुत शौक था और कहते हैं कि एक बार तो उसने तरन्नुम खान नाम की एक डांसर के साथ रात बिताने के लिए 93,00,000 रुपए खर्च किए थे। अब्दुल करीम तेलगी अपने पैसों को बोरे में भर कर रखता था और उसे खुद नहीं पता था कि वो इस स्कैम से कितने पैसे कमा चुका है। हालांकि दोस्तों, जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे हर एक बुरे काम का अंजाम झेलना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ अब्दुल करीम के साथ भी हुआ। नवंबर 2001 में बैंगलोर पुलिस ने स्टम्प पेपर से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा, जो कि उनके अनुसार कहीं से चुराए गए थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये नकली स्टम्प पेपर्स हैं, तो फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंगलोर पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और एक के बाद एक कई कड़ी जोड़ते हुए इसके मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तक पहुंच गए। जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था, तब शायद अब्दुल के कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं कि पुलिस इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर चुकी है, नहीं तो शायद उसने समय रहते ही उन पुलिस ऑफिसर्स को भी खरीद लिया होता। हालांकि दोस्तों, अब्दुल तेलगी बचने में कामयाब रहा और इससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करती, वो फरार हो गया। लेकिन दोस्तों, अब अब्दुल करीम तेलगी के काले धंधे का साम्राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। पुलिस को कहीं से खबर मिलती है कि वो अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने वाला है और यहीं से उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। इस पूरे केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT का गठन होता है, जिसके बाद से ये पूरा केस पब्लिक डोमेन में आ जाता है और फिर अब्दुल को बैकडोर से सपोर्ट देने वालों के भी हाथ बच जाते हैं। SIT अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट कराती है, जिसमें तेलगी कई सारे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर्स का भी नाम लेता है। इस स्कैम में महाराष्ट्र NCP के कुछ बड़े लीडर्स के नाम भी थे, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत न होने की वजह से कभी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हो सकी। इसी दौरान इस केस से जुड़े SIT के एक ऑफिसर की संदिग्ध मौत हो जाती है, जिसके बाद से पूरा केस CBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है। CBI इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल करीम तेलगी की 36 प्रॉपर्टीज का खुलासा होता है, जो कि भारत के अलग अलग शहरों में खरीदी गई थी। इसके अलावा तेलगी के नाम 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट थे, जिनमें से हर अकाउंट में ही करोड़ों रुपए जमा थे। साल 2006 में आखिरकार अब्दुल करीम तेलगी को जेल की हवा खाने का आदेश सुना दिया जाता है और उसे 30 साल की जेल और 202 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भरने की सजा मिलती है, जो कि शायद उसके क्राइम को देखते हुए काफी कम थी। हालांकि अब्दुल करीम तेलगी के हिस्से में उतनी सजा भी नहीं आई और 11 साल बाद 20 अक्टूबर 2017 को बैंगलोर की जेल में उसकी मौत हो गई।
दोस्तों हर्षद मेहता की तरह ही अब्दुल करीम तेलगी की मौत भी जेल के अंदर बेहद मिस्टीरियस ढंग से हुई थी और इसमें पुलिस ऑफिसर्स का हाथ माना जाता है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत मेनिंजाइटिस और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई, लेकिन अब्दुल के वकील का दावा था कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 10,000 करोड़ के स्क्रम पेपर स्कैम में अब्दुल करीम तेलगी अकेला शामिल नहीं था। इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड बेशक अब्दुल रहा हो, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में सत्ता और सरकार चलाने वाले कई सारे लोगों का नाम शामिल था। अब्दुल करीम तेलगी की मौत के बाद उसकी पत्नी शादिया तेलगी ने भी इस पर कई सारे सवाल उठाए, लेकिन सरकारी गलियारों में इस केस को बहुत ही सफाई से दबा दिया गया। 2018 में इस केस से जुड़े सभी गुनहगारों को ही रिहा कर दिया गया और भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स में से एक स्टंप पेपर स्कैम बिना किसी अंजाम के ही इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया। पुलिस न तो कभी ये पता लगा सकी कि अब्दुल करीम तेलगी की फेक स्टंप पेपर छापने वाली फैक्ट्री कहाँ थी और न ही कभी उसकी अरबों रुपए की संपत्ति जब्त हो सकी। यहाँ तक कि सरकार ने इस पूरे स्कैम को ही कानून का चोला पहना दिया और इसे लीगल घोषित कर दिया। हालांकि दोस्तों इस स्कैम को लीगल घोषित करने के पीछे एक ठोस वजह थी। अब क्योंकि 1992 से 2001 के बीच अब्दुल करीम तेलगी ने धड़ल्ले से फेक स्टंप पेपर्स बेचे थे, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने अपने लीगल कामों के लिए इन्हीं फेक स्टंप पेपर्स का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन कोर्ट के अनुसार अगर स्टंप पेपर इलीगल थे तो उन पर किए गए सारे एग्रीमेंट कभी भी मान्य ठहराए नहीं जा सकते थे। यानी कि इन 9 सालों में हुई हर शादी, हर प्रॉपर्टी की डील और हर एक बिजनेस एग्रीमेंट इलीगल था। अगर ऐसा हो जाता तो पूरा ज्यूडिशियल सिस्टम हिल जाने वाला था और उसका अंजाम क्या होता इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस पूरे स्कैम को लीगल बना दिया और बहुत बड़ी गड़बड़ी होने से रोक लिया। हालांकि अब्दुल करीम तेलगी इस स्कैम में महज एक प्यादा था या फिर राजा, ये कभी भी सामने नहीं आ सका। वैसे आप इस वेब सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।